हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ वीडियो ऑल अबाउट हेयर मास्क, और आप इसे एक हेयर को उसकी देखभाल करने के लिए मंथ में 3-4 बार यूज़ कर सकते हो, और आई कैन से दैट वीक में एक बार यूज़ कर सकते हो इस हेयर मास्क को। अपने हेयर में क्या करना है, इस एलोवेरा जेल एलोवेरा को तोड़ के थोड़ा सा, फिर उसे अच्छे से पानी में धो के, जिस तरह मैंने भी इसी तरह धोया, मेरे घर पे एलोवेरा था उसे लेकर आई और उसे ही यूज़ कर रही हूँ मैं। पानी में अच्छी तरह से धो के फिर उसके साथ मैंने लिया है थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी के बीज बोलते हैं, वो लिया है। पानी लिया थोड़ा सा, 1 कप पानी, उसमें मैंने ये दोनों डाल दिया। उसके बाद मैंने एलोवेरा जो था, एलोवेरा को काट के उसी पानी में डाल दिया। फिर जब पानी उबलने लगा फिर उसमें डाल दिया। इससे क्या होंगे, ये तीनों ही हेयर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बाल आपके जो होंगे वो बहुत ही सिल्की हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ भी बहुत जल्दी होगी। सो इससे ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट थोड़ा सा बॉईल होने दें। उसके बाद इसे एक किसी भी दूसरे कंटेनर में इसे अच्छे से छान ले, छन्नी की हेल्प से इसे अच्छे से ब्रश कर कर के इसे इसके जो पार्ट्स हैं उसे अलग कर लें, और ये जो लिक्विड होगा उसे अपने हेयर्स पे लगाना है। तो इस तरह से मैंने पहले अपने हेयर्स को कॉम कर लिया। उसके बाद क्योंकि हेयर्स बहुत फिजी हो जाते हैं तो उसे कॉम करना बहुत ज़रूरी होता है, सो मैंने अपने हेयर्स को ऐसे कॉम कर लिया। देन मैंने अपने हेयर्स पे थोड़ा थोड़ा करके इस जो बनाया था मैंने उसे अपने हेयर्स पे लगाया। यू कैन सी दैट ऐसे ही कुछ जो भी बालों के लिए अच्छे होते हैं उनका पैक हम रेडी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बाहर से हम बहुत सारे शैम्पू या फिर बहुत कुछ लाते हैं फॉर हेयर्स, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वी कैन यूज़ आवर होम रेमेडीज टू इम्प्रूव आवर हेयर ग्रोथ एंड एक्सेट्रा। सो वी कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट टू मेंटेन आवर हेयर्स। ओके, सो सिल्की बालों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अपने हाथों की हेल्प से इसे धीरे धीरे करके अपने स्कैल्प पे आप लगा सकते हो। स्कैल्प पे आप रूट से स्टार्ट करना। उसके बाद मैंने पहले नीचे के बालों को लगाया है, क्योंकि मेरे हेयर्स की जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो पहले अगर नीचे के साइड में लगा लो तो इट्स ईजी टू कवर द होल पोर्सन। ओके, सो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने पहले लोअर साइड में लगाया है, फिर उसके बाद मैंने अपने पूरे हेयर्स में ये जो मैंने बनाया था, ये जो रेडी किया था उसे पूरे बालों में लगाया, और फिर इस कैमरे में पूरा प्रोसेस दिखाना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने जितना भी बड़ी वीडियो बनाई है, और मैं अपनी जो वॉइस रिकॉर्ड है वो बाद में कर रही हूँ। फिर इसे लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से धो लेना है, बट इसे लगाने के बाद आप 10-15 मिनट तक ऐसे ही रखो। फिर 10-15 मिनट के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लो शैम्पू से, और देन यू कैन सी द रिज़ल्ट। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।